दिल्ली में शपथ ग्रहण के बीच ओडिशा में बड़ी हलचल हो गई है। वीके पांड्या ने सक्रिय सियासत से संन्यास ले लिया है। नवीन पटनायक के करीबी हैं वीके पांड्या। पांड्या ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है। पांड्या ओडिशा के चुनाव में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से एन पहले ओडिशा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी नेता और पूर्व आईएएस वीके पांड्या ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वीके पांड्या ने सक्रिय सियासत से संन्यास ले लिया है। तो दिल्ली में शपथ ग्रहण के बीच ओडिशा में बड़ी हलचल हुई है।